मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। फसाद करो नहीं, फसाद सहो नहीं, जुल्म करो नहीं, जुल्म सहो नहीं। मुसलमानों, तुम्हें तैयार रहना होगा, तुम्हें तैयार रहना होगा। वो तुम्हारे ईमान को खतरे में डाल के शिर्क ला रहे हैं, आरएसएस बीएचपी के आतंकवादी, बीजेपी के आतंकवादी। तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ तैयार रहना होगा। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कर रहे हैं और अल्लाह के नबी की इज्जत पर हमले कर रहे हैं। तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाकर फैलाने के लिए तैयार रहना होगा। वो हथियार खरीद कर तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। आज ही यतिंगा नरसिंहानंद आतंकवादी कह रहा था दिल्ली में, हथियार ले लो हिंदुओं, हथियार ले लो हिंदुत्व आतंकवादियों बोलकर। तो मैं कह रहा हूं मुसलमानों, तुम्हें तैयार रहना होगा। हर किस्म की तैयारी अपने ईमान, जान, माल, इज्जत और आबरू को बचाने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। हर मोहल्ले से, हर मस्जिद से, हर मदरसे से तुम्हें तैयार रहना होगा। हर घर से अपने ईमान को, जानो माल, इज्जत और आबरू को बचाने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा, तुम्हें तैयार रहना होगा। अल्लाह के लिए जागो मुसलमानों, आओ रब की तरफ, नमाजें पढ़ो, दुआएं करो, तौबा इस्तगफार करो, जिक्र अस्कार करो, रमजान का महीना है, रोजे रहो, अल्लाह की राह में खैर खैरात करो, कुरान और हदीस की तिलावत करो, खूब अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफिया और मदद मांगो और तैयार रहो। दिमाग से, रूहानी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, माली एतबार से, हर एतबार से तैयार रहो। शैतान के पिल्लों को, अंग्रेजों के एजेंटों को, देश के गद्दारों को, आरएसएस बीएचपी बजरंग दल को जीतने नहीं देना है। हमें तैयार रहकर भारत बचाना है, भारतवासियों को बचाना है। तुम्हें तैयार रहना होगा, मैं कह रहा हूं। इससे पहले कि तबाही आए तैयारी करो। और अगर कोई आतंकवादी तुम पर हमला करे तो एक आतंकवादी को मत छोड़ो, एक आतंकवादी को भी, लेकिन तुम किसी मासूम को धक्का मत दो, तुम किसी मासूम को धक्का मत दो। फसाद करो नहीं, फसाद सहो नहीं, जुल्म करो नहीं, जुल्म सहो नहीं। तमाम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी और दुनिया की तुम्हें हिफाजत करना है, तुम्हें तैयार है।